हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाल कोतवाल वंस अगेन, एक बार फिर आपके सामने। तो मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अपनी जगह पर जो है ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग जो है शूट किया मैंने 4 बजे के आसपास, और मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज अपने पैतृक गाँव, क्योंकि आज पैतृक गाँव जाने का एक मकसद है, क्योंकि वहाँ पर हमारे गांव में ही हमारे कुलीग जो है हमारे साथ, उनके घर में जो है यहाँ पर शिव जो भंडारा है, एक किस्म का प्याला जो है हम इसे कहते हैं। तो आज इसी फंक्शन में हम जा रहे हैं विद फैमिली। तो चलिए मिलते हैं, दिखाते हैं आज अपना पैतृक गांव। दोस्तों आज मेरे साथ जो है मेरे साले साहब जी जो है वो भी साथ में जा रहे हैं, डॉक्टर नितिन कोतवाल, ये भी मेरे साथ जो है मेरे पैतृक गाँव। आज इनको मैं अपने पुराने घर जो है हमारा वो दिखाऊंगा। कुंवर प्रताप जो है मेरे पीछे बैठे हैं स्टेज में, तो चलो चलते हैं, लेके चलता हूँ। थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे, यहाँ से कोई 10 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। तो ये जो पेड़ नज़र आ रहा है आपको, इस पेड़ के जस्ट पीछे जो है हमारा मकान है पुराना वाला, यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो अभी तो आप देख सकते हैं किस रास्ते हम जो है यहाँ पर आए हैं। ये रहा पुरवा सिटी से जो है छोटे से टाउन से जो है ये रास्ता जो है कटियाला की तरफ आता है। और ये पहले ऐसा हुआ करता था कि हम लोग जो है भदवा से कम जो है 2 घंटे का सफ़र जो है, इतना सफ़र तय करने के लिए कम से कम 2 घंटे जो है, ये सामने का रास्ता जो दिख रहा है ये पैदल यहीं से हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हमारे घर के लिए, उसके बाद जो है ये गांव हमारा पीछे जितना भी है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आपके अपने गांव में लेके आना था मुझे, तो मैं आपको दिखा चुका हूँ अपने पीछे जो है ये गाँव हमारा पैतृक गाँव जो है, और जो पुराना घर है वो जस्ट यहाँ पर इस साइड में जो है, इस साइड में डेयरी के पीछे, यहाँ से दिखेगा थोड़ा आगे जाकर मैं फिर से दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं आगे गांव की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।